हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अनवर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो प्रोग्रामिंग। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है इसको समझने में, तो आज मैं आपको टोटली इलेक्ट्रिकल के बारे में बताऊँगा। ये इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन एप्लीकेशन है, इसमें आप इलेक्ट्रिकल सर्किट कंपोनेंट्स और फार्मूले वगैरह एनालाइज करेंगे, पावर फैक्टर मोटर्स वगैरह के। काफ़ी अच्छी है, यूज़फुल है। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन है। लोगों को डिफरेंस में प्रॉब्लम होती है समझने में कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है, तो इसमें मैं आपको सिर्फ टोटली इलेक्ट्रिकल के बारे में बताऊंगा। मेरी पिछली वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड था। इसमें आप देख सकते हैं वायर कैलकुलेशन पे हम आए हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ब्लू स्टैक पे मैंने इसको किया है, क्योंकि किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अगर कंप्यूटर में चलाना है तो ब्लू स्टैक आपको करना पड़ेगा उसका, और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने वायर कैलकुलेशन पर क्लिक किया है। मैं इसमें वोल्टेज डालता हूँ और अपना लोड डालूँगा। अच्छा, मैंने डी सी सेलेक्ट किया, इसलिए पावर फैक्टर नहीं होगा, डी सी में नहीं होता, ए सी में होता है। और इसकी लेंथ डालूँगा, जब मैं सारी चीज़ों को सारे पैरामीटर्स पुट करूँगा और कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो जो मुझे अननोन पैरामीटर हैं वो मालूम हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, उसके साथ कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, कैलकुलेशन ऑफ करंट, कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज, एक्टिव पावर, अपीयरेंट पावर यानी पावर फैक्टर से रिलेटेड भी सब कुछ है, कन्वर्जेशन है, मोटर्स हैं, मोटर की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखें मोटर के करंट, इसमें मैंने एसी लिया है तो इसमें पावर फैक्टर का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मैंने अपने वोल्टेज डाले, पावर फैक्टर डाला, पावर डाली, अभी इसमें वाट है तो मैं 5000 वैल्यू डालूँगा तो 5 किलोवाट की मोटर हो गई, और एफिशिएंसी डाल दूँगा तो मुझे यहाँ पे करंट पता चल जाएगा कि कितना लेगी। ये देखें आप, 18.519 एम्पियर लेगी। बेहतरीन एप्लीकेशन है, बड़ी यूज़फुल है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको अभी डाउनलोड करें और अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करें। मुझे तो बड़ी पसंद है ये। आप देख सकते हैं मेन मोटर पावर फैक्टर भी आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी इजी है इसको यूज़ करना भी। मैं सारी चीज़ें कर करके नहीं दिखाऊंगा गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप भी देख सकते हैं कन्वर्जन भी है इनमें, स्टार डेल्टा और वायर कैलकुलेशंस भी हैं। रेजोनेंस हैं इसमें, फ्यूज़ कैलकुलेशन है कि कौन सा फ्यूज़ कहाँ पे लगाना है हमें। अगर फ्यूज़ की को रेटिंग के बगैर देखे बगैर लगाया जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में भी है कि कितना टेम्परेचर कोफिशिएंट है, कौन सी चीज़ पे कितना टेम्परेचर होगा, और ये पॉट्स वगैरह के बारे में भी है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को, इसमें फार्मूले वगैरह भी हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और कुछ समझ नहीं आया इससे रिलेटेड या कुछ और भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्लीज़, ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया गाइस।